नमः शिवाय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सोमवार एकादशी तिथि दिन भर और रात्रि 9:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा 7 बजे तक भरणी नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, विद्वान और विद्या के धनी होते हैं। ऐसे जातक शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट, बलशाली, उच्च अभिलाषी, नेतृत्व करने की क्षमता, प्रतियोगी भावना रखने वाले और तर्क करने में निपुण होते हैं। ऐसे जातक साधु संतों में आस्था रखने वाले, धनी होने की अभिलाषा वाले, वाद विवाद में रुचि रखने वाले और कानून के पालन करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य, शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा 12:30 बजे तक मेष राशि में चलते रहेंगे। तत्पश्चात वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी। रचनात्मक क्रियाशीलता और वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, मगर सार्थक प्रयासों में कमी आ सकती है और माँ के स्वास्थ्य की चिंता के साथ वैचारिक मतभेद भी संभावित है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रुकावट, अनावश्यक खर्च और अनचाही यात्रा की संभावना दोपहर तक बनती है, मगर दोपहर बाद अत्यधिक क्रियाशीलता, रचनात्मक प्रवृत्ति और सकारात्मक प्रयासों से आपके हर कार्य संपन्न होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कुछ योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलम्ब की संभावना भी बनती है। साझेदारी के कामों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। मिथुन राशि के जातकों के निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। नए प्रस्तावों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी, मगर दोपहर बाद का समय अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत करता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। माता से भी आर्थिक सहयोग संभव है। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्य योजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और यथासंभव आप उन्हें लागू भी कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आर्थिक निवेश संभव है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है। हालांकि बुजुर्गों का सहयोग और अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने में सहयोग करेगा, मगर दोपहर के बाद का समय कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रखेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी कामों में भी सहयोग मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मगर कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी संबंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। दोपहर तक का समय स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता और अनचाही यात्रा का संकेत करता है, मगर दोपहर के बाद का समय साझेदारी के कामों में लाभदायक सिद्ध होगा।
नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। तुला राशि के जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और नई कार्य योजनाएं सफल होंगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है, मगर दोपहर के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी जटिलता और अनावश्यक यात्रा के लिए संकेत करता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी अभी भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद का समय आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला होगा, मगर काम करने में असंतुष्टि महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ की यात्राएं, व्यावसायिक अवरोध और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि आपके प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति छठवें भाव में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी। परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाकर आज के दिन चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है, मगर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा और कुछ मामलों में उत्साह, कार्य ऊर्जा में कमी के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति का संकेत मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और काम काज सुचारू ढंग से पूरे होंगे। नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में चल रही जिम्मेदारी का निर्वहन होता रहेगा और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। हालांकि नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग कायम होगा। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। समयानुसार लाभदायक प्रस्ताव आते रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। दोपहर के पहले का समय बौद्धिक सक्रियता, निजी संपत्ति में वृद्धि, रुकते हुए कामों और धन संबंधी मामलों में उपलब्धि का संकेत देता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।